हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गैजेट रिव्यू के एक और एपिसोड में। और यहाँ पे आज मेरे पास है डिजिटेक का डीवी ट्राइपॉड डीटीआर 260 जीटी। अब इसका नाम जितना भी बड़ा हो, ये एक गोरिल्ला पॉड है और इसके साथ एक रिमोट भी आता है, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। रिमोट यार बहुत ही काम की चीज़ है। मैं बताऊँगा आपको इसके फंक्शंस और यहाँ पे मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी बता देता हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये बटन प्रेस करके ये ऊपर का जो फ़ोन होल्डर है वो निकल आता है और ऊपर आपको एक माउंट भी दिया गया है। इसमें आप चाहे तो लाइट, चाहे तो माइक्रोफोन, जो चाहे वो व्लॉगिंग के लिए, मतलब ये बेसिकली होता है, लेकिन मैं इसको रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ। मेरे पास एक पुराना भी था, मैं उससे भी कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी है। गोरिल्ला पॉड में बेसिकली आपको क्या होता है ना, आप कैसे भी इसको मोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, चाहे आपको कहीं पे इसको स्टैंड करवाना हो या फिर आपको कहीं पे इसको टिकाना हो, लटकाना हो फ़ोन को, तो ये अलग अलग शॉट्स लेने के काम में आता है। मेरे काफ़ी यूज़ में रहता है, मैं इसी से ही ज़्यादातर अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मेरा वाला जो पुराना था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने नया मंगवा लिया यहाँ पे। और इसके साथ एक रिमोट मिल जाता है। अब रिमोट का क्या काम है ना, जैसे आप कहीं बाहर जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और आपको उनके साथ फ़ोटो खींचनी होती है, तो एक बेचारे दोस्त को जाके वो फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है, तो ये रिमोट ना उसका काम आसान कर देता है। आप जाके रिमोट इससे पेयर करो अपने डिवाइस से, जैसे कि मैंने कर लिया। यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग में जाके आपको एक डिवाइस मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है सेल्फ़ी रिमोट। आप सेल्फ़ी रिमोट से पेयर करोगे, प्लग इन प्ले हो जाएगा काम आपका। ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में काम करता है। ऊपर अगर आप ऊपर वाला बटन दबाओगे तो वो आईफोन में काम करेगा और नीचे वाला बटन एंड्रॉयड के लिए काम करता है, तो इट इज़ एन वेल एंड गुड। और यहाँ पे आप जैसे ही बटन दबाओगे पिक्चर क्लिक हो जाएगी, इतना ही सिंपल है। और कुछ आपको जुगाड़ नहीं करनी है, तो आपको ट्राईपॉड पे लगाना है अपना डिवाइस और जितनी चाहे उतनी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। तो इससे ये भी फ़ायदा, अगर आपका सेल्फ़ी कैमरा ख़राब है तो आप इससे बैक कैमरा से भी फ़ोटोज़ खींच सकते हो और वीडियोस भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं इससे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। ये देखो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ आपको। ये बटन दबाया और ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गई, फिर से बटन दबाऊंगा और ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट हो जाता है। और यही अकेला अगर आप बाय करते हो तो 200 समथिंग में आ जाता है। और ये मुझे पूरा का पूरा ये कॉम्बो पैक 450 समथिंग में मिल गया, तो ये एक अच्छी डील हो जाती है। और इस रिमोट में भी मैं दिखाता हूँ, एक बड़ा वाला सेल डल जाता है, तो अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको बस सेल रिप्लेस करना है और आपका रिमोट फिर से काम करने लगेगा। तो यार ओवरऑल मुझे तो ये अच्छी डील लगी और डिजिटेक के प्रोडक्ट मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी सही से लगे। और अब मैं आपको एक कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है। मतलब एक ये डिजिटेक का प्रोडक्ट है, ये वाला जो है मेरा ट्राईपॉड, ये डिजिटेक का है। और ये वाला जो है ये मेरा पुराना लोकल ट्राईपॉड था, ये मैंने 250-300 रुपए का ख़रीदा था। लेकिन इसका क्या हुआ ना, इसके ये जॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये उखड़ गए, ये बहुत ही जल्दी उखड़ गए थे। लेकिन मैंने इसको जैसे तैसे ग्लू गन से चिपका चिपको यूज़ किया, लेकिन अब इसकी उम्र हो चुकी थी तो मैंने नया प्रोडक्ट मंगा लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो ये मूवमेंट है ये भी काफ़ी रफ़ है, मतलब ये उतने अच्छे से टिक भी नहीं पाता था, काफ़ी बार मुझे एंगल एडजस्ट करना पड़ता था, काफ़ी बार ये स्लिप भी हो चुका है, फ़ोन गिर भी चुका है इससे, और बहुत ही दिक्कत होती थी। भले ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इतना ज़्यादा स्टर्डी नहीं था जितना कि ये है। और इसका जो फ़ोन माउंट है वो भी काफ़ी स्टर्डी है। फ़ोन माउंट में एक ऊपर माउंट भी दिया गया है जिसमें आप अपना कुछ भी, चाहे लाइट हो, चाहे माइक्रोफोन हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो मुझे ओवरऑल इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। और आपको एक रिमोट भी मिल जाता है जो आपकी सेल्फ़ी और फ़ोटोज़ लेने के काम में आ सकता है। तो अगर आपको और ऐसी एक्सेसरीज़ की वीडियोस देखनी है तो मैं इस वीडियो के बाद आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। और आप मुझे वेरियस प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम पे मैं फोटोज़ अपलोड करता हूं, ट्विटर पे भी मैं एक्टिव हूं, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।